बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रूहानी हसार का तरीका। दोस्तों, शैतानी मखलूक से बचने के लिए, हर किस्म की हवाई मखलूक जादू टोने से बचने के लिए हसार की बहुत अहमियत है। आप खुद भी हसार करें और अपने घर वालों को ताकीद करें कि वो भी हसार करें। ये असार जो मैं बताने लगा हूँ, ये सबसे मजबूत असार है और ये 24 घंटे का असार है। इसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले बावजू होकर मगरब की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। उसके बाद नियत करें, असार करता हूँ बनाम मौला करीम सलवातुल्लाह अलैह। 3 दफ़ा नादे अली पढ़ें। इसके बाद 7 दफ़ा आयतुल कुर्सी की तलावत करें और आखिर में ये हजमीद पढ़नी है, ला इलाह का कोट, इल्लल्लाह की खाई, शाह मर्दा की चौकी, बहक के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की दुहाई, हुज्जत अल असर सलवातुल्लाह अलैह का हसन इलाही पढ़कर दाएं हाथ पर फूंक मारें और इसको सर पर फेर लें। फिर अपने इर्द गिर्द दाएं हाथ की शहादत वाली अंगली से दायरा लगाएं। जब दायरा मुकम्मल हो जाए तो एक दफ़ा ताली बजा दें। इस तरह आपका ये हसार 24 घंटे के लिए मुकम्मल हो गया है। दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफर अल-ज़मान नकवी अल-बुखारी सरकार का। ये हसार मैंने उनकी रूहानी डायरी से पेश किया है। दोस्तों, आखिर में हम दुआ करेंगे अपने पाक शहनशाह, अपने पाक करीम आका मौला शहनशाह इमाम ज़माना अजरल्लाहु फ़र्जह शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाजल अल्लाजल या रहमत अलवासिया, अल्लाजल अल्लाजल या रहमत अल मोमिनीन, अल्लाजल अल्लाजल या रहमत लिल आलमीन, अल्लाजल अल्लाजल या सातर अल अयूब, या रब्बा मोहम्मद वाल मोहम्मद सल अला मोहम्मद वाल मोहम्मद वाजल फरजाल मोहम्मद सल अला अलैहि वसल्लम।